उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। कल आप लोग आ रही होगी ना, तो ये मलिया देखे बहुत रो रही है। मलिया चुप कर जा, तो मलिया रो रही है, मलिया बात ही नहीं करने दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्ची को बुला रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, बच्ची का असल में देखे मलिया दो बेटा, तो असल में मलिया इसलिए रो रही है, देखे मेरे साथ साथ मेरी बच्चियां भी इतनी ज्यादा शौकीन है कपड़ों की, मैंने ये ड्रेस रखे तो दो ड्रेस कंप्लीट हो गए। मैंने ड्रेस कंप्लीट होने के बाद ना हम इसे ना पेन के चेक करते हैं, मलिया ने सारा आंसू में मुझ पे लगाया, तो पेन के चेक करते, तो मैंने और सुहाना ने पेन के चेक किया, तो माशाल्लाह से नजर ना लगे, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, सुहाना को बहुत अच्छा लग रहा था और येलो कलर है, बहुत ही प्यारा लग रहा था, हल्दी मायो की सुगंध आ रही थी मुझे, तो बस मलिया और शीजा रोने लगी, कह रही हमें भी सीखे दो, मुझे भी चाहिए मम्मा जैसी ड्रेस, मुझे भी चाहिए। तो ये देखे बच्चे अक्सर खिलौने, ये देखे रो रो कि मेरी बच्ची कितनी गुलाबी गुलाबी हो चुकी है। तो ये अच्छा, ये सबसे ये ट्राउजर चेक करे, ट्राउजर कम्प्लीट हो चुकी है सर। ये मेरी है। नहीं मेरी है, मेरी है। ये मेरी ट्राउजर है। नहीं आपकी तेरी। नहीं ना ये तेरी है, तो ना फ्री नहीं हो। और ये सुहाना की ट्राउजर है, तो ये दोनों ट्राउजर कम्प्लीट हो चुकी है। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तो बस ये दोनों ड्रेस कम्प्लीट हो चुकी है और आज तो बस बच्चों, आज का व्लॉग तो मुझे ये दिखाना था बच्चों का, चुप कर जाओ थोड़ी मेरी माँ, तो ये दिखाना था कि देख ले आप लोग मेरे साथ साथ ना मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा शौकीन है कपड़ों के, पहनने के, उसके इसके, बाकी खिलौना खिलौने वगैरह का इतना वो नहीं है, शायद के बहुत ही कम बच्चे होंगे जो शायद आजकल बच्चे हैं ऐसे जिनको ना अच्छी ड्रेसिंग मेकअप वगैरह ये वो चाहिए होता है। वैसे भी कहते हैं ना कि जैसी माँ होती है वैसी बच्चियां जाती है, और लोग तो कुछ लोग तो है ना इस अल्फाज को ना गलत तरीके से यूज करते हैं, जैसी माँ ऐसी बच्चियां, जरूरी नहीं होता, तो बच्चे माँ की अच्छी चीजें सीखते हैं, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा शौक है। तो अभी ये बात यही हो रही थी कि 31 आने वाला है, तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा ये महीना भी खैर आफियत से गुजरेगा, तो पिछले बार की तरह फिर से मैंने कहा मैं अपने लिए ड्रेस बनाऊंगी और सिलवाऊंगी, और ये दुपट्टा है तो दुपट्टे का कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, बहुत ही ज्यादा मार्केट में और सुहाना घूमे घूमे, तो घूमने के बाद ये है कि ये लोन ये है ना कॉटन की ड्रेस है और ये शेफून गए, तो उसमें ना 19-20 का ना फर्क आता ही आता है, मुझे दुकानदारों ने यही समझाया कि 19-20 का फर्क होता है, तो इतना ज्यादा सुकून हो गया ना, दोनों ड्रेसेस कंप्लीट हो गई और ये ड्रेसेस मेरे हस्बैंड ने मेरे सर पे रहकर कंप्लीट करवाई, क्योंकि ना तो मुझे क्या हर किसी को ऐसा होता होगा बहुत ही ज्यादा सुस्ती हो जाती है, जब पड़े हुए थे ना तो मुझे लग रहा था दो दो सीनी कैसे सिलेंगी और दो दो ड्रेस सीनी, और अक्सर मेरे कितनी ऐसे ड्रेसेस है ना जिनको मैंने सिया है और उनके ना कपड़े जो बचे हुए हैं ना सुहाना की साइज के, तो आज तक मैंने उन कपड़ों को नहीं सिया, अभी तक वो कपड़े वैसे के वैसे पड़े थे, लेकिन इसको मैंने सी लिया, तो अब शीजा फाइनली इसे हाथ में लेके घूम रही है, तो ये मलिया और शीजा अब दो ड्रेस मेरे लिए आई, मलिया बता, तो अब शीजा कह रही आप जब भी ये ड्रेस सियो तो इसमें से मेरे लिए सीना, और ये जो ऑरेंज वाली है मलिया कहती है मम्मा इसमें से आप मेरे लिए सीना, अच्छा तो आप पिंक ड्रेस में सीऊंगी तो उसका फैसला आप करें, मलिया पिंक ड्रेस में से किसके लिए सीऊं, व्लॉग में देख के बता, बोलो किसके लिए सीऊं, बोलो मलिया के लिए सिए कि शीजा के लिए सिए मम्मा, तेज बोलो तो मलिया को बहुत ही ज्यादा शौक होता है छोटी सी नन्ही सी मुन्नी बनने का, और वैसे भी ये नन्ही सी मुन्नी ही है, तो मलिया अब नई फरमाइश करने लगी मम्मा मैं छोटी हूँ मेरी एक मुन्नी ले आओ, मैंने मलिया को कहा मलिया मुन्नी नहीं इंशाल्लाह ताला मुन्ना लाएंगे, मलिया मुन्नी चाहिए मुन्ना उधर देख के बोल मुन्नी इसको मुन्नी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ आज सब लोग दुआ करें क्या अब मुन्ना आए, तो बच्चे हैं बच्चों को क्या पता होता है, ठीक है ना, कहती है मम्मा नहीं मुन्नी नहीं है, मैंने कहा इतनी सारी तो मुनिया है, शीजा मुन्नी है, सुहाना मुन्नी है, तो शीजा तो रो रो के शीजा की फेस की हालत, तो अब ना ये जो दो ड्रेस है ना अब इनमें से इन दोनों में से एक सीने वाली, ये तो मेरी बहुत ही है ना फेवरेट है, और इतनी ये तो थोड़ा सा कपड़ा में है ना हैवी है, थोड़ा सा ज्यादा पैसों में लिया और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है बहुत ही, और ये कलर मेरे हस्बैंड का फेवरेट है और मेरे शीजा की भी चॉइस का कलर है पिंक पिंक पिंक, तो बहरहाल सब ड्रेसों में कहा जाए तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है, काफी अरसे से मैं लेना चाह रही थी इसे, पर बस ना फिर लेती नहीं थी कभी ये वो,
आपको पिंक ना, तो मलिया के लिए पिंक सीऊंगी इसमें से, ठीक है मलिया? तो इसमें से अब इसमें से सीऊंगी, तो इसमें से भी दो ड्रेस ही बनेंगे, लेकिन हाँ दो ही बनेंगे। तो इसके ऊपर अभी ट्राउजर दुपट्टा मुझे लेना बाकी। तो ये शर्ट सिर्फ मेरे पास सिर्फ मैंने 2500 के लिए, और माशाल्लाह से इसका कपड़ा भी बहुत ज्यादा बड़ा है। देखिए ये आम सूटों की तरह नहीं होता, तो इसमें से भी आराम से दो ड्रेस निकल आएंगे। तो ये देखिए ये अब भी डबल हो रहा है, तो मेरी तो शर्ट होगी कितनी होती, मेरी तो शर्ट ये ना, क्योंकि ये ना प्लेन कपड़ा है, तो प्लेन ये देखे अब यहाँ से ना मेरी बस इतनी शर्ट निकलेगी, ये मेरी निकल गई शर्ट, उसके बाद इतनी निकलेगी सुहाना की शर्ट, फिर यहाँ से स्लीव्स निकलेंगी हम दोनों की, और उसके ऊपर ना व्हाइट वाली ट्राउजर लूंगी मैं, और क्या कहते हैं व्हाइट कलर का दुपट्टा लूंगी मैं, तो व्हाइट ट्राउजर और व्हाइट दुपट्टा लूंगी ना मलिया। फिर ये व्हाइट और पिंक ड्रेस कौन पहनेगा, मलिया और मामा? एक तो ये थी, और ये ड्रेस जो थी ये तो मैंने आप लोग को बताई थी, मलिया चुप का था, ये आप पहनना बताइए। तो ये तो मैंने ड्रेस आप लोग को बताई थी, ऑरेंज कलर की ड्रेस, ऑरेंज शर्ट ऑरेंज दुपट्टा है, तो उसके ऊपर मैं सोचा हुआ कि इसके ऊपर ट्राउजर या जो शलवार बनाऊंगी ना, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसे मेहरून कलर में लूंगी, तो मेहरून बनाऊंगी। तो अभी एक ड्रेस तो हो चुकी है कम्प्लीट, इससे पहले एक ग्रीन ड्रेस भी मैं स्टिच कर चुकी हूँ जो कि अभी मेरी पड़ी है सूटकेस में, तो इंशाल्लाह ताला कल या परसों के व्लॉग में वो सिखाऊंगी। और थ्री पीस ड्रेस थी वो भी मैंने स्टिच करके रख दी है। तो अब रह गई बात, क्या रह गई, हाँ तो ये हफ्ता मैं फ्री हूँ, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ताला फिर से मेरा पार्लर जाने का टाइम हो गया, सोना नहीं करो पार्लर जाऊंगी अगले हफ्ते से फिर से, तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि पार्लर से आओ फिर बंदा ना थोड़ा सा, एक तो लाइटें नहीं होती, फिर सुस्ती सी हो जाती है ना, उसके बाद ना फिर मदरसा पढ़ाना, और आजकल तो इतना दिन छोटा है इतनी जल्दी ना अंधेरा हो जाता है कि दो दिन से मैं ना बच्चों को मदरसा भी नहीं पढ़ा पाई। तो अब सोचा है कि मदरसे की टाइमिंग जरा से चेंज कर दूँ, तो ताकि मदरसा पढ़ा पाऊँ, क्योंकि स्कूल के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। और लाइटें अब सर्दी है उसके बावजूद भी ना 3 घंटे जाती है, तो लाइटों का बहुत ज़्यादा इशू होता है, और आजकल तो कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि ना मेरा व्लॉग आ जाता है टाइम पे, बहुत ही सख्ती की, बहुत ही सख्ती करती है व्लॉग के मामले में कि जल्दी डालो भाई, जितना हो सकता है जल्दी डालो, लेकिन फिर भी नेट का इशू होता है, तो इसीलिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी ड्रेस पसंद आई होगी, लेमन कलर मैंगो कलर तो पसंद आया होगा, और खासकर मुझे ड्रेस इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मेरी और मेरी बेटी दोनों की एक जैसी बनी, और सेम ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अब हो चुका है टाइम पूरा, तो लेंगे अब इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके अल्लाह। मतलब तो आई नहीं अल्लाह कुछ बोलो।